हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी फिर आज आपके लिए एक छोटा सा हैंडबैग लेकर आई हूँ, और जो देखने कुछ इस तरह से है, काफ़ी छोटा सा क्यूब सा है। और इसमें मैंने यहाँ पर एक पॉकेट दी है, आप देख सकते हैं ये, और एक पॉकेट मैंने यहाँ पर दी है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी प्यारा सा है। और ये सभी उम्र की लेडीज़ के लिए काम आने वाली चीज़ है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का बैग बनाने के लिए सामान चाहिए 14x19 इंच का 1 पीस क्विल्टेड पीस, 4x14 इंच के 2 पीस फैब्रिक, 4x10 इंच 1 पीस फैब्रिक, 22 इंच 2 पीस बेल्ट, 28 इंच लेस, जिप 14 इंच 1, 8 इंच 1, रनर 2 पीस। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 14x19 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, और इसमें हम लगाएंगे लेस। 2 इंच डाउन जाएंगे और लेस लगा देंगे। अब किसी भी एक तरफ सेंटर निकालेंगे 14 इंच का 7 इंच पर, ये हमारा सेंटर है। सेंटर से 4 इंच डाउन जाएंगे, ये हमारा सेंटर आया। ये 4 इंच डाउन के नीचे हम यहाँ पर 6 इंच का 3 इंच इधर 3 इंच इधर लाइन खींच लेंगे, और 4x10 का जो पीस लिखवाया था उसको यहाँ पर रखते हुए इस तरह से डबल करेंगे, सेंटर पे रखेंगे, मोड़ेंगे, निशान लगाएंगे, चारों तरफ सिल देंगे। बीच में से कट करेंगे, और दूसरी तरफ निकालते हुए इसको फिनिशिंग दे देंगे। 8 इंच की स्लिप लेंगे, रनर लेंगे, और पहले रनर डाल देंगे। उलटते हुए रनर को अंदर की तरफ रखेंगे, 1 इंच इधर 1 इंच इधर का मार्जिन देते हुए इसको हम चारों तरफ से सिल देंगे। और अब जितना एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। अब इसको लगाने के बाद 14x10 इंच का एक लाइन का पीस लेंगे और इस जिप को कवर करके सिल देंगे। इस तरह से एक पॉकेट तैयार करने के बाद अब इसमें हम फिर से मेजरमेंट करेंगे। ये जो कॉर्नर के हिस्से हैं यहाँ पर, ये हमने 2 इंच डाउन लेस लगाई थी, 2 इंच इधर भी निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस 2 को इस 2 से मिला के इसको इस तरह से कट कर देंगे। चारों कोनों में कर देंगे को कट करने के बाद। अब ये जो सेंटर आया हमारे पास इसको निकालेंगे 5 इंच पर, ये हमारा सेंटर है। यहाँ हमने पहले सेंटर निकाल लिया था ये जिप लगाने के दौरान, इधर भी निकाल लिया। अब इसको हम यहाँ से ये जो 2 इंच डाउन जा रहा है तो इसको लाइन पर खींचेंगे, इसको इधर 3 इंच पर निशान लगाएंगे, इधर 3 इंच पर निशान लगाएंगे, टोटल 6 इंच हमको मिल जाएगा। और इसको हल्का सा गोल शेप देते हुए कट करेंगे। इसी शेप को हम इधर भी दोहराएंगे।
करने के बाद अब हम बेल्ट लेंगे। इस बेल्ट को यहाँ पर लगा देंगे, ये जो हमारे पास मार्जिन आया है यहाँ पर, इसको हम बेल्ट लगा देंगे। अब ये हमारा एक पीस तैयार हो गया। अब हम लेंगे 4x14 इंच का 2 पीस और इसमें हम 14 इंच की जिप लगाएंगे। रनर डालेंगे, रनर ऑप्शनल है, एक डालें, दो डालें। करने के बाद अब इसको हम लेंगे, इसको यहाँ रखते हुए ये देखिए, ये जो हमने जिप लगाई, जिप का सीधा हिस्सा ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर ये पीस रखेंगे और यहाँ से इसको पूरा हम जोड़ देंगे। अंदर करते हुए जो दूसरा पार्ट है उसको भी जोड़ देंगे सीधा करके। पहले इसको चेक करेंगे, ये सही जुड़ गया है। अब इसको वापस उल्टा करेंगे, ये जो हमने अभी सिलाई की है तो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। और इसको कट करने के बाद अब इसको, ये जो हमने यहाँ बेल्ट लगाई थी, बेल्ट को दोनों हिस्से मिलाते हुए और ये बाहर निकालेंगे जिप का हिस्सा और इसको यहाँ से यहाँ तक सीधा जोड़ देंगे और ये जिप का हिस्सा हमारा बाहर आना चाहिए। सेंटर से लेकर यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी कर देंगे। वन बाय वन का स्पेस देंगे, स्क्वायर निकालेंगे दोनों साइड में। इसको इस तरह से कॉर्नर मिलाते हुए शेप दे देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं और नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद इसमें फाइनल फिनिशिंग देंगे। फाइनल फिनिशिंग के लिए ये जो हमने सिलाई की थी जिप बंद कर देंगे, जो हमने 14 इंच की जिप जोड़ी थी और बेल्ट के साथ कपड़ा जोड़ा था, इसके किनारे किनारे हम पूरे मशीन शेप देते हुए चला देंगे। और ये हमारा मिनी हैंडबैग या पर्स पहले तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से ये इसका शेप आया है। इसमें हमने यहाँ बॉटम दे दी 2 इंच की और इधर एक पॉकेट दे दी जो बाहर की पॉकेट है और यहाँ पर एक अंदर पॉकेट दे दी। ये देखिए फुल पॉकेट है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। और आज का वीडियो बहुत दिन बाद बन रहा है, इस वीडियो में पूरा सेटअप नहीं है लेकिन वीडियो की डिमांड थी तो मैंने वीडियो बनाया है। थोड़ा सा लाइट गड़बड़ हो सकती है, थोड़ी सी आवाज़ गड़बड़ हो सकती है, तो उम्मीद है आप मेरी परेशानी को समझेंगे और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मैं फिर कुछ नया लेके आई। नमस्कार।